आपके, उनके ममता दीदी, उनके मोदी जी आपके कौन? न तीन में न तेरह में लड़ाई उनको टीएमसी के बीच में है। बंद करिए बात करने का। सरकार बनाने वाले हैं और टीएमसी जाने वाली है। अब सुन लीजिए, ठीक है शहनवाज, एक बार सुन लीजिए। मैं जो बताना चाहता हूँ, गिना रहे हैं आपको कि ना आप तीन में है ना तेरह में, वो बार बार गिनते गिना रहे हैं आपको। ठीक है ठीक है, मैं ही बताना चाहता हूँ, टीएमसी सरकार में नहीं आ रहा है, एकदम पक्का है, और बीजेपी भी सरकार नहीं बना रहा है। मैं जो बताना चाहता हूँ, देश का जनता, बंगाल का जनता जान चुका है। आज भी शहनाज जी बोल रहे थे ना जी, आज चक्का जाम था। अरे चक्का जाम ये सिंबॉलिक था, और उन्होंने बोल रहा है कानून को 1.5 साल के लिए बंद कर दिया। अरे खारिज कर दीजिए, क्यों रद्द कर दिया गया, खारिज कर दीजिए। और सेंट्रल कैबिनेट पूरा बंगाल में आज आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में भी हर एमपी को, हर कैबिनेट को सड़क पर हम लोग देखा था अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। क्या हुआ? आज मैं बताना चाहता हूं, देश का जनता जानना चाहता है। सारी बातें सही हैं, मैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछ रही हूं ना। कांग्रेस पार्टी बिना किसी बैसाखी के यहां पर चुनाव लड़ ही नहीं सकती, ऐसी स्थिति हो गई है उसकी। आप तो बीजेपी और टीएमसी को छोड़िए, आप कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए। अरे कांग्रेस पार्टी अधीर चौधरी है, उनका मुकाबला में कौन है? मैं आज बताना चाहता हूँ, लगातार 25 साल उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन किसी एक का नाम बताइए, नरेंद्र मोदी का नाम बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 साल एक साथ में था। ये नया नया वो जो चिड़िया अभी आ गया और बोल रहा है नड्डा जी कौन है, आपका कैमरा पीछे घूम रहा है, कितना भीड़ है, बोल रहा है सारा बंगाल में पूरा जनता है। हमारा कैमरा ज्यादा दिखाई दे रहा है और हम लोग आपके नेता को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अरे हमारा नेता का जरूरत नहीं है, बंगाल का जनता बीजेपी को देख चुका है, जो देश को बर्बाद कर रहा है, बेच रहा है, और टीएमसी को भी देख चुका है। तो इसलिए बंगाल का जनता जो नया अलायंस है, थर्ड अल्टरनेटिव, जो तृतीय विकल्प है, वो लेफ्ट एंड कांग्रेस का, उसका ही विकल्प आने वाला दिन में बंगाल का जनता वो चुन लेगा। किसी को जरूरत नहीं है अब निजेश अवस्थी जी, प्रोग्राम लेफ्ट और कांग्रेस का विकल्प न ममता और न दीदी न दादा है, ये लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार। ठीक है, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, और मैं तभी बोलता हूँ जब आप कहेंगी मुझे। बड़ी साफ सी बात है, मैं ये शुभंकर सरकार जी से पूछना चाहता हूँ कि एक बैसाखी आपने वामपंथ की लिए, सीपीआई सीपीएम वगैरह वगैरह, अब और कितनी बैसाखी लेने वाले हैं? आपके तो नेता जो हैं बंगाल के, वो बाकायदा हाईकमान को लिख रहे हैं कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट का भी समर्थन ले ले, मैंने बातचीत शुरू कर दी, आप इजाजत दें तो फॉर्मल भी बात कर सकते हैं, और कितनी बैसाखियां लेने वाले हैं? और कह रहे हमें तो नेता की जरूरत ही नहीं। क्यों बात करते हो? अरे भैया आप कितना कितना आदमी का साथ बात करते हो, पैसा देके खरीद करते हो, आप कितना पता है, जनता नहीं है कितना आदमी को बीजेपी खरीद करता है वो बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, कितना आदमी को खरीद करता है। निजेश की बात हो जाए, अब निजेश जल्दी से, अरे शुभंकर जी इतना चिढ़ क्यों गए? अब निजेश चुपचाप गोपनीय पत्र लिखा है, वो जो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गोपनीय पत्र लिखा है वो सार्वजनिक हो गया है, वो सबको मालूम चल गया कि आप कहां कहां भागे, किसके किसके दरवाजे पर नाक पकड़ रहे हैं। अरे आप किस किस आपका किस छोटी छोटी पार्टियों के दरवाजे पे जाके नाक रगड़ रहे हैं, ये सब तो मालूम चल गया है। और उसके बावजूद आप कहीं भी नहीं है, न तीन में न तेरह में, आपके साथ जनता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, संगठन नहीं, नेता नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ। अरे आप लोग ममता जी का करप्शन कर रहे थे, आज कहीं का भी नहीं है ऑल करप्शन, जो लोग आज ये बोलते रहेंगे अगर है उनको क्यों दिया, ताकि मेरी चैनल पर आज बोलते हो तो ये बात सुनती नहीं है, मैदान में और सड़क पर तो ये बोल नहीं पाते हैं, ये सरकार एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहता है। आप बताइए ममता जी का करप्शन, अगर एक एक करके हम अपनी बात करते तो शायद एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते। सर वक्त की कमी है, अब निजेश जी को मैंने मौका दिया था, लेकिन अब ठीक है सर, ठीक है वक्त की कमी है। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही है, इस चर्चा के जरिए भी आपने सुना, आपकी बार परिवर्तन की बहेगी पश्चिम बंगाल में बयार, या बनी रहेगी ममता सरकार, या फिर इन दोनों को ध्वस्त बताते हुए जैसा कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस या फिर एक साथ मिलकर लेफ्ट की सरकार।